भाई मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना, इतना गुस्सा मैं तुम्हें तो क्या बताऊं यार। मेरा फर्स्ट हाफ का रिव्यू देखना सिंघम अगेन का, मैं इतना इंप्रेस था जो सिनेमेटोग्राफी चल रही थी, बीजीएम, स्टोरी। फर्स्ट हाफ के बाद हम नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सेकंड हाफ का एलिवेशन आएगा, स्टोरी में कुछ ट्विस्ट आएंगे, टर्न आएंगे। भाई रोहित शेट्टी का प्रॉब्लम है यार, रोहित शेट्टी का ना बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है, और यही मुझे डर था। मैं फर्स्ट हाफ का रिव्यू दिया क्योंकि मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा था कि ये एक अबव एवरेज से एक्सीलेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। सेकंड हाफ फ्लैट कर दिया यार एकदम। देखो दोस्तों, मास सिनेमा है, मास ऑडियंस है, मास मसाला है, वो सब कुछ बहुत बढ़िया आपको दिखेगा। मैं ये भी जानता हूं ये मूवी बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी, अजय देवगन को जिस स्टाइल से दिखाया है वो बहुत बढ़िया है। कैमियो का इन्होंने सेकंड फर्स्ट हाफ में लॉजिकल था कैमियो, रामायण के रेफरेंस चल रहे थे, बहुत ऐसा लग रहा था रिक्वायर्ड है, जितना दिखाया ओवर द टॉप बिल्कुल नहीं जा रहा था। सेकंड हाफ में भाई आप कॉमेडी दिखा रहे हो यार, यार मेरे को समझ नहीं आता, तुम्हारे में अक्ल नहीं है क्या? तुम लंका के, तुमने रावण का अर्जुन कपूर को इतना भयंकर दिखाया फर्स्ट हाफ में, तुम उसको लास्ट में इतना इजी गोइंग कर रहे हो। अक्षय कुमार आ रहा है, रणवीर सिंह आ रहा है, टाइगर श्रॉफ आ रहा है, दीपिका पादुकोण, और रणवीर सिंह का मुझे देखो मैं बताऊं, वो बंदा फनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बंदा फनी नहीं है, भाई कॉमेडी नहीं चलती जब सीरियस मैटर चल रहा है। वहां सीता का अपहरण हो गया है, करीना कपूर को ले गया अर्जुन कपूर, वहां सिंघम आ रहा, एक सिर्फ अजय देवगन ऐसा बंदा है जो पूरी मूवी को ना बांध के अपने कंधों पर रख के चलता है, अजय देवगन और अर्जुन कपूर। और अर्जुन कपूर को ये कहां एलिवेट करके ले जा सकते थे सेकंड हाफ, इन्होंने ऐसी बैंड बजाई है ना। मैं दोस्तों मेरे को इतना, मैं आप मानोगे नहीं, मेरा फर्स्ट हाफ का रिव्यू देखो, सेकंड हाफ का मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है। लोग ये बोल रहे थे कि यार आदि पुरुष के टाइप से, वो तो खैर उतना तो नहीं बुरा, और सिनेमा बुरा नहीं है, इट्स एन एंटरटेनमेंट सिनेमा, आप जाओगे आपको पैसा वसूल जरूर लगेगा, पर जब एक ब्लॉकबस्टर कंटेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, एक कंटेंट वाइज, क्वालिटी वाइज, जब एक ब्लॉकबस्टर एक प्रोडक्ट आपको हिट की तरफ या एवरेज की तरफ आता हुआ दिखता है ना सेकेंड हाफ में, तो वहां पे ये इमोशंस आने ना, मैं कह रहा हूं लाजमी है यार। इतना बढ़िया म्यूजिक था, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया, सीन्स बहुत बढ़िया थे, लास्ट में खिचड़ी पका दी यार। और देखो वो प्रॉब्लम खिचड़ी से नहीं है, मैं तो हमेशा से हक में नेगेटिविटी कभी करता ही नहीं हूं कि भाई दिखाओ कैमियो, लॉजिकल होने चाहिए। आप एक एक करके, अक्षय कुमार का कोई इंपैक्ट ही नहीं था, कोई इंपैक्ट नहीं अक्षय कुमार का, जो था सिंघम में था। मैं तो कह रहा हूं टाइगर श्रॉफ, बल्कि सीन सबसे बढ़िया तो टाइगर श्रॉफ लगा है, और रणवीर सिंह और दीपिका कॉमेडी कर रहे हो यार तुम, लेडी सिंघम मुझे समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट हाफ में लग रहा था चल इसका रोल इतना ही है, ठीक है, लास्ट में थोड़ा सीरियसनेस आएगी। टेररिज्म की थीम को, वो एबडक्ट किया करीना कपूर की थीम को, उसमें तुमने सारा गड़बड़ कर दिया। देखो दोस्तों, चार स्टार वाली ये मूवी मुझे फर्स्ट हाफ तक लग रही थी, ये अब कंप्लीटली यार एवरेज से अबव एवरेज वर्डिक्ट की तरफ जा रही है। और मुझे पता है बहुत सारे लोग अब मुझे गालियां देंगे, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं इतना डिसअपॉइंट हूं सेकंड हाफ से। रोहित शेट्टी का ना बुद्धि ना आता माजी सटक लिए इसकी, मैं बता रहा हूं तुम्हें, इस बंदे की आता, ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को क्या मसाला दिखाना है, क्या दिखाना है मसाला, तू लास्ट में अपना बढ़िया सीरियसनेस दिखा यार, थीम छोड़ो वहां पे, जहां पे साला बंदे को है ना एज ऑफ द सीट लगे यार। आखिरी की 15 मिनट आप क्यों नहीं समझते उसका इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों मूवी बुरी नहीं है, मूवी बुरी नहीं है, मैं 3 स्टार दे दूंगा, चलो 3.5 स्टार दे दूंगा। वो जो टाइटल ट्रैक चला है और थोड़े गूज़बम्प्स मूवमेंट आए हैं, और इसको प्लीज मास थिएटर में देखना अगर फिर भी कुछ इंजॉय करना है। बाकी मुझे सिंघम से फर्स्ट हाफ से और सेकंड हाफ में जो दोनों का अंतर है ना यार, सच में यार मैं फैंस के लिए बोलना चाहता हूं, ढंग से अगर तुम देखोगे ना भाई, तुम्हें सच में लगेगा यार सेकंड हाफ में लास्ट में ना मामला रोहित शेट्टी का ना हिला हुआ है। इतनी ब्लॉकबस्टर कंटेंट तू फर्स्ट हाफ तक तुमने सेटअप किया, इतना सब कुछ फील आ गई थी स्केरी मोमेंट से, सेकंड हाफ में सारा कॉमेडी चल रही है, लास्ट में गुस्सा चढ़ रहा था मेरे को, वही सूर्यवंशी में जब वो रणवीर सिंह मार रहा है, अक्षय कुमार नाम भूल रहा है, भैंचुत क्यों भूल रहा है नाम तू, वहां पे सीरियस मैटर चल रहा है तू अपना यार नाम भूल रहा है यार, समझ नहीं आती। दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जा रहा हूँ भूल भुलैया देखने, टेक केयर, बाय बाय।